नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। पश्चिम बंगाल में स्कूल सर्विस कमीशन के शिक्षक भर्ती घोटाले में हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 23,000 से अधिक नौकरियों को रद्द करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। साल 2016 में जिन लोगों को नौकरियां मिली थी, कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने इन लोगों को 4 हफ्तों में वेतन वापस करने का आदेश दिया है। शिक्षक भर्ती घोटाले पर कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस देवांशु बसाक की बेंच ने यह फैसला सुनाया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि सीबीआई पश्चिम बंगाल के विद्यालयों में भर्तियों में 2016 में हुई विसंगतियों की जांच करेगी। यह बताना जरूरी है कि शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी सहित टीएमसी के अन्य नेता, विधायक और शिक्षा विभाग के कई अधिकारी भी जेल में हैं। हालांकि अब बंगाल सरकार का कहना है कि वो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस अभिजीत गांगुली, जो अब भाजपा के नेता हैं और तमलुक से भाजपा के उम्मीदवार भी, ने इस मामले में सुनवाई करते हुए इसकी जांच सीबीआई को सौंपी थी और पार्थ चटर्जी को भी सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश सुनाया था, जिसके बाद पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी हुई थी। अभी तक इस मामले में 5,000 लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं जिन्होंने गलत तरीके से नौकरी पाई थी। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत। नमस्कार।